माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ किचन कॉर्नर। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मजेदार चटपटी कलेजी। उसके लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो है, हमारे पास है कलेजी। मैं मटन कलेजी यूज कर रही हूँ। आप इसके लिए चिकन की भी कलेजी यूज कर सकते हैं, जिनको मैंने स्मॉल साइज पीसेस में कट कर लिया है। उसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून इमली का पल्प, जिसको मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए इमली को भिगो दिया था और उसको ग्राइंड कर लिया था, तो ये मज़ेदार सा इसका पल्प रेडी हो गया है। मसालेदार कलेजी बनाने के लिए ये मसाला है जो ड्राई है, जो हमारे पास है लाल मिर्च है सूखी 4 से 5 चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें धनिया चाहिए साबित वाला, कोरिएंडर सीड्स, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स है, काली मिर्च है। इन तीनों को हम सूखा सूखा पीस लेंगे। उसके साथ हमें चाहिए 1/2 बेल पेपर चाहिए यानी शिमला मिर्च, और 1 प्याज है। इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है स्क्वायर्स में। और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया, और इसको पकाने के लिए हमें अराउंड 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए, और नमक है हस्बे जायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो हम सबसे पहले करेंगे ये कि मैं इस मसाले को सूखा पीस लेती हूँ। अच्छा, ये हमने मिर्ची, लाल मिर्च जो साबुत थी, धनिया और काली मिर्च जो थी, उसको ग्राइंडर में मोटा मोटा कूट लिया है। तो हम अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अराउंड 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। उसमें मैं सबसे पहले कलेजी डाल देती हूँ। कलेजी के साथ ही ये जो सूखा मसाला था वो डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमें इसको मजे से फ्राई करना है। ये अराउंड उसको 6 से 7 मिनट लगेंगे पकने के लिए, और उसको मीडियम हीट पे करना है। बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है, हाई फ्लेम भी नहीं, मीडियम पे करेंगे हम इसको। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प, बहुत चटपटी है, बहुत जल्द बन जाने वाली कलेजी है ये। फौरन इसको बनने के बाद फौरन ही इसको सर्व करेंगे। इसको मैं 5 से 6 मिनट तक इसी तरह उसको भून रही हूँ। इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कलेजी को ज्यादा नहीं पकाना है। कलेजी कभी भी ज्यादा पकेगी तो वो अंदर से सॉफ्ट नहीं रहती है। और इस स्टेज पे हम अभी इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च और प्याज और नमक। नमक कलेजी में हमेशा एंड में डालते हैं। है ना मजेदार चटपटी सी कलेजी। बस ये हमारी रेडी हो चुकी है, अब हमें इसको डिश आउट करते हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मजेदार की चटपटी की कलेजी तैयार है। तो ये मजेदार सी कलेजी तैयार है। एंजॉय कीजिए आप, और मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।